दैनिक जागरण का फेस्टिवल का हमेशा से हिस्सा रहा हूँ और हर बार मुझे किसी न किसी रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है और मेरे सामने इसकी शुरुआत हुई है और आज इस मकाम पे है और आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में ये लोग अब ये फेस्टिवल करते हैं, छोटे छोटे शहरों में करते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग्स करते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है इनके लिए और बड़ी तेज़ी से जो है ये छोटी छोटी जगहों पे जा करके अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर डेरा डाल रहे हैं, वहाँ के लोगों को सिनेमा को के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। एक आर्टिस्ट के लिए सर फिल्म फेस्टिवल कितना स्पेशल और कितना अच्छा होता है, कितना बेसिक होता है? देखिए, खास करके मेरे लिए, मैं कहता हूँ जो भी एक्टर बनना चाहता है, सिनेमा एक्टर बनना चाहता है, सिनेमा डायरेक्टर बनना चाहता है, एडिटर बनना चाहता है, किसी भी रूप में सिनेमा से जुड़ना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप फिल्म फेस्टिवल जाएँ, अलग अलग लोगों से मिलें, अलग अलग तरीके की फिल्में देखें, अलग अलग देश की फिल्में देखें, अलग अलग राज्य की फिल्में देखें और तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग वो सारी कहानियाँ क्या हैं और सबके कल्चर क्या हैं, वो फिल्म मेकर कौन है और किस सोच से बना रहे हैं, वो एक्टर कौन है, वो कहाँ से आते हैं, ये अब जानना बहुत ज़रूरी है खास करके नए लोगों के लिए। एंड सर, जैसे कि अगर बात सर जैसे कि सात चक्के का ट्रेलर आ चुका है जी, सो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लोग? काफ़ी सात चक्के एक बहुत ही मैजिकल वर्ल्ड के बारे में है। एक पुरानी दिल्ली अपने ऑथेंटिक रूप में आपको पहली बार सिनेमा के पर्दे पे जो पुरानी दिल्ली असल में क्या है, वहाँ के किरदार किस तरीके के हैं, वहाँ के कैरेक्टर्स किस तरीके के हैं, वो कैसे जीते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा और एंटरटेनिंग है। एट द सेम टाइम एक पर्पस है, ऐसी फिल्म जो आपको हंसाएगी, जो आपको आश्चर्यचकित करेगी, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है और वो मकसद तभी पता चलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।